जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC CET ग्रुप डी एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन एंड एडमिट कार्ड के बारे में। बेसिकली आप सब जानते हैं कि आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो आ चुका है, जिसके बारे में आपका लिंक भी यहाँ पर जारी कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं एडवांस इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम ये है जो कि आपके सामने आ रहा है कि आप यहां पर आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जब आप यहां पर इस लिंक को ओपन करके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन डालते हैं तो आपके सामने एक एरर आता है। वो एरर क्या है? वो है कि सिक्योरिटी पिन डिड नॉट मैच, प्लीज एंटर करेक्ट सिक्योरिटी पिन। आप यहां पर सिक्योरिटी पिन सही एंटर कर रहे हैं, बाकी की इंफॉर्मेशन भी सही डाल रहे हैं और बार बार आपने सिक्योरिटी पिन भी डाल करके देख लिया, बट फिर भी आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको यहां पर यह लग रहा है कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइज यहां पर आपको बता दूं कि ये आपकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम HSSC की तरफ से ही रखी गई है, जो कि आप इसको टेक्निकल इशू भी कह सकते हैं। और मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको अगर बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 9-10 में आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो आ जाना चाहिए था और 9 में तो नहीं आ पाया, तो इन्होंने 10 में जारी कर दिया है। और 10 में इन्होंने जारी सिर्फ इसलिए किया है ताकि इन्हें और भी वक्त मिल सके। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने यहां पर सिक्योरिटी पिन की जो प्रॉब्लम है वो खुद से क्रिएट करके रखी है कि हाँ आप आगे इसमें बढ़ ही नहीं पाए, आप इसमें लॉगिन ही ना कर पाए। अगर आप लॉगिन कर लेते और फिर अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड ना करते या फिर ये जो सिटी इंटीमेशन आई है वो डाउनलोड ना करते तो फिर आप यहाँ पर सवाल करते कि हम अपना ये डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। बट जब आपको लग रहा है कि यार इसमें तो मैं लॉगिन ही नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं कैसे इसको सिटी इंटीमेशन को डाउनलोड करूँ, तो आपको लग रहा है कि ये कोई टेक्निकल इशू है, बट ये टेक्निकल इशू खुद से बनाया हुआ है। क्योंकि गाइज ऐसा तो है नहीं कि 10 अक्टूबर का ये लिंक शाम 7 बजे आई थिंक एक्टिवेट हो गया था और तब से ही लगातार आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि HSSC ने लिंक तैयार करके चेक ना किया हो और उसमें देखा ना हो कि हाँ लॉगिन हो रहा है, एडमिट कार्ड या जो सिटी इंटीमेशन है वो डाउनलोड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें ये सब कुछ पता है। तो ये सब जानते हुए भी अगर HSSC ने ये वेबसाइट सही नहीं की है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो काम है वो बाकी है आपके एडमिट कार्ड को अपलोड करने का, जिसके लिए उन्हें वक्त चाहिए था और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, जो कि आपकी कल तक सही हो जाएगी। गाइज मैं आपको बताऊँ तो अभी मैं आपके लिए जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रात के किस वक्त कर रहा हूँ तो आप शोक हो सकते देख करके। अभी रात के 2:33 हुए, 11 अक्टूबर है, आप देख सकते रियल टाइम है ये आपका। और ये मैं इसलिए वेट किया हूँ इस वक्त तक कि हाँ चलो रात में अगर ये सही प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आपको लाइव ही आपका एडमिट कार्ड का जो सिटी इंटीमेशन है बेसिकली वो दिखा पाऊंगा, बट ये अभी तक भी आपका नहीं हुआ है और इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं आपको यहां पर ये लाइव नहीं दिखा पाया हूं। एंड गाइज मैं आपको यही कहूंगा कि आपको वेट कर लेना है और जैसे ही आपका यहां पर ये वर्क करेगा यानी कि आपका सिक्योरिटी पिन मैच होना शुरू हो जाएगा तो आप सिंपली नेक्स्ट क्लिक करते हुए ही अपना जो सिटी इंटीमेशन है वो डाउनलोड कर पाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम उसके बाद नहीं होगी। एंड अगर ये प्रॉब्लम सही हो जाती है कल में तो फिर मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप यहां पर मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं या फिर कह लीजिए कि आपकी सिटी इंटीमेशन। कैसे कराएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है ये अब आप जान लीजिए। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, यह लिंक आप ओपन करेंगे। इसका ओपन करने के बाद में आपको सबसे लास्ट में आना है और यहां पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर नेम के अंदर आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है क्योंकि यहीं पर आपको PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे और साथ ही गाइज आप यहां पर लिखेंगे HSSC CET ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2023। आपको यहां पर HSSC CET ग्रुप डी एडमिट कार्ड लिखना उतना ही अनिवार्य है जितना कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट चेक करने की इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो अगर आपने डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि किस चीज की जानकारी है और मुझे इसका क्या करना है। इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर DOB और HSSC CET ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2023 लिखिए और सबमिट कर दीजिएगा। देन ये गाइज जानकारी मेरे पास आएगी और मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो सिटी इंटीमेशन डाउनलोड करके दिया जाएगा। एंड देन जब आपका एडमिट कार्ड आएगा जो कि आपके एग्जाम डेट के 3 दिन पहले आएगा, फिर आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भी आपके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा एंड उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो गाइज यही थी जानकारी जो कि मुझे आप लोगों को देनी थी क्योंकि आप लोग काफ़ी परेशान थे कि हम अपना ये सिटी इंटीमेशन चेक नहीं कर
पा रहे, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगा कि क्यों ना आपको इसका आंसर दिया जाए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आपकी साइड से प्रॉब्लम है, क्या फिर कहाँ से प्रॉब्लम है। तो बेसिकली मैंने पूरी जानकारी आपके साथ में डिस्कस कर ली है। एंड अगेन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इसको आपको डाउनलोड का प्रोसेस लाइव नहीं दिखा पाया। क्यों नहीं दिखा पाया उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। एंड नहीं तो मैंने आपके लिए यहाँ पर रात के किस बजे तक वेट किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट किया है आपको जानकारी देने में, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।